पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम राजघाट रोड टिली वार्ड सागर मध्य प्रदेश। पांच दिन पहले एक व्यक्ति अस्पताल से भाग गया था, जिसका शव एक नाले में नग्न हालत में पड़ा मिला है। मामला बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी थाना क्षेत्र से सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। वहीं एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य इकट्ठे किए। शव की शनाख्त बालाघाट निवासी व्यक्ति के रूप में की गई है। मृतक के हाथ पर उसका नाम विनोद सेंद्रे लिखा हुआ था। शुरुआती जांच में इस नाम के किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की शिकायत आसपास के थानों और चौकियों में चेक की गई, जिसमें 27 तारीख को मृतक के परिजनों ने उसकी शिकायत सारणी थाने में दर्ज कराई थी। परिजनों से मामले में चर्चा होने पर पता चला कि विनोद बालाघाट का रहने वाला है। कुछ दिन पहले वो सारणी आया था, जहाँ उसको चोट लग गई थी, जिस पर उसे 27 सितंबर को घोड़ा डोंगरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वो अस्पताल में हंगामा कर भाग गया था। विनोद की मौत किन कारणों से हुई है, पीएम रिपोर्ट के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा। पुलिस का कहना है कि शव परिजनों को सौंप दिया है। ये घटना आज सुबह एक धाड़गांव ग्राम के व्यक्ति ने फोन लगाकर सूचना दी कि एक व्यक्ति के का यहाँ पर शव मिला है। ग्राम धाड़गांव के पास एक नाला पड़ता है, वहाँ पर जहाँ हमने घटनास्थल पर जाके देखा तो एक पुरुष व्यक्ति था जो नग्न हालत में नाले में पड़ा हुआ था, जिसके हमने तस्दीक की गई क्षेत्र में। तो जानकारी पता चली कि थाना सांडी में दिनांक 27 तारीख को एक व्यक्ति डायल 100 द्वारा अस्पताल में लाकर, घोड़ामुड़ी अस्पताल में लाकर उसको भर्ती कराया गया था, जिसका घोड़ामुड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा था। परंतु इलाज के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि वो मानसिक रूप से विकसित था और उसने हॉस्पिटल में हंगामा किया था, जिसके बाद वो पुलिस वहां पर गई, लेकिन पुलिस उससे पहले वो हॉस्पिटल से भाग चुका था। फिर उसके जो घर वाले थे, परिजन थे, उनके द्वारा भी उसी दिनांक को आसपास उसको ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने गुम इंसान रजिस्टर करा के पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। फिर आज जो बॉडी मिली है, बॉडी पर जो उसके निशान थे, गुदना गुदा हुआ था, गुदने में उसका नाम लिखा हुआ था मृतक का, जिसको दिखाकर परिजनों को कन्फर्म किया गया कि ये उसी की बॉडी है। बॉडी का मर पुलिस द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर उसको जांच में लिया गया है। बॉडी का पीएम कराया जाकर उसमें अग्रिम कार्रवाई की। घटनास्थल देख के लगता है कि शायद वो नाले में गिरने से और उसके श्वास लेने में पानी घुसने की वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है। घोड़ा डोंगरी से विनोद पातरिया, सागर टीवी न्यूज। पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम। लड़के एवं लड़कियों के लिए पूरी सुरक्षा के साथ 6000 स्क्वायर फीट एरिया में सर्विस सुविधा युक्त सनशाइन जिम, लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सीसीटीवी कैमरा के साथ सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सनशाइन जिम राजघाट रोड तिली वार्ड सागर मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 6265745495, 7000483881, 8817368143।